स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर, मेरा नाम है आकाश। जुड़ गए हैं जी आईपीएल को लेकर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर, क्योंकि सभी फैंस का, सभी आप कह सकते हैं जितने भी क्रिकेट फैनेटिक्स हैं, सबको बेसब्री से इंतजार है आईपीएल के शुरुआत होने का। लेकिन एक जो मसला है जो आईपीएल का मजा किरकिरा कर सकता है इस बार, वो है इंजरीज। जी हाँ, सुपरस्टार प्लेयर्स को इंजरीज हैं, और जो आपको इस वीडियो में बताएंगे वो बताएंगे कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी रूल्ड आउट हो चुके हैं, किन पर संदेह है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स आर को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंजरीज बहुत बड़ा कंसर्न बन गई है, देखिए हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करा है टीम्स को, लेकिन अब फ्रेंचाइजी को और फ्रेंचाइजीज के फैंस को अब ये ज्यादा इंपैक्ट करेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उन स्टार प्लेयर्स के बारे में बताएंगे कि जो रूल्ड आउट हो चुके हैं और जो जिन पर संदेह है कि मोस्ट लाइकली वो भी एक मेजोरिटी पार्ट वहां पर मिस आउट कर सकते हैं आईपीएल का, या फिर उनके आगे भी खेलने पर, पूरा आईपीएल मिस आउट करने पर भी बहुत बड़ा डाउट है। सबसे पहले आपके सामने चलाते हैं जी नाम जसप्रीत बुमराह। हम सब जानते हैं मुंबई के लिए कितने बड़े मैच विनर है जसप्रीत बुमराह, उनकी प्रेजेंस होना ही मैच बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को हमने देखा है कि टाइटल जिताने में अगर किसी खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा है एमआई की तरफ से, तो वो जसप्रीत बुमराह है। भाई नॉकआउट अगर आप बात कर रहे हैं कि मुश्किल मैचेस में, मुश्किल सिचुएशंस में आपने देखा हो, क्रंच सिचुएशंस में डिलीवर करता है ये सुपरस्टार इंडियन खिलाड़ी, लेकिन जसप्रीत बुमराह का खेलना वहां पर नहीं हो पाएगा आईपीएल में। वो रूल्ड आउट हो चुके हैं लोअर बैक इंजरी की वजह से, लोअर बैक इंजरी की वजह से इंडिया के लिए भी वो रिप्रेजेंट, इंडिया को भी वहां पर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं बहुत समय से, और वो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन एमआई के लिए और बड़ा क्योंकि कंसर्न हो गया, क्योंकि इससे पहले हम देखना चाह रहे थे, सब फैंस एक्साइटेड थे कि वहां पर आपको जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ना ये पिछले साल हो पाया क्योंकि जोफ्रा आर्चर तब इंजर्ड थे, और अब यहां पर जसप्रीत बुमराह की बैक इंजरी ने मुंबई की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चलते हैं दूसरे नाम पर, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत हम सब जानते हैं बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एक उनका एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद वो क्रिकेट से अब लगभग एक साल के लिए तो ये तय ही है कि वो क्रिकेट फील्ड पर नहीं उतर पाएंगे, प्रोफेशनल क्रिकेट तो अभी और ज्यादा उन्हें समय लग सकता है। दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम तो यही विश करेंगे स्पीडी रिकवरी, रिकवर कर भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, बड़ी अच्छी जो वीडियोज आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, वो आपको आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिलीफ देते हैं क्रिकेट फैंस को, क्योंकि हम सब चाहते हैं ऋषभ पंत दोबारा से क्रिकेट फील्ड पर उतरे और अपना जोहर दिखाएं वहां पर। काइल जेमिसन सीएसके के लिए हमने देखा है, काइल जेमिसन सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक एसेट मिस करेंगे वहां पर सीएसके, क्योंकि आप एक क्वालिटी ओवरसीज फास्ट बॉलर वहां पर मिस करेंगे, और जो कि काइल जेमिसन की क्वालिटी का है, उनको भी हम देख रहे हैं कि लंबे समय से इंजरी से जूझ रहे हैं, उनके खेलने पर भी आप कह सकते हैं कि कोच गैरी स्टेड जो न्यूजीलैंड के कोच हैं, उन्होंने पहले से वहां पर आप कह सकते हैं कंफर्मेशन दे दी थी कि भाई उनके लिए 2-3 महीने तो मिस आउट करना यहां पर तय ही है। तो काइल जेमिसन एक और बड़ा नाम, क्योंकि हम देखते हैं एक क्वालिटी फास्ट बॉलर विद द बैट भी इतने बड़ी यूटिलिटी आपको देते हैं, सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये। अब ये देखते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट, हम देख रहे हैं बड़े बड़े नाम आप कह सकते हैं कि वहां पर रैंकिंग में आएंगे, लेकिन काइल जेमिसन अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है सीएसके के लिए कि उनकी सर्विसेज वहां पर मिस करेगी सीएसके आईपीएल 2023 में। अगले नाम पर चलेंगे, आरआर के लिए आप कह सकते हैं क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, लंबे समय से इंजरी से जूझ रहे हैं वो, और उसके बाद हमने देखा इंडिया में भी रेगुलरली फीचर कर रहे थे स्पेशली इन ओडीआई फॉर्मेट, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा लंबे समय से मिस आउट कर रहे हैं, और आरआर के लिए भी बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी इंडियन फास्ट बॉलर वो मिस आउट करता है तो आरआर की दिक्कतें बढ़नी है ही, वो मिस आउट करेंगे आईपीएल 2023 को। विल जैक्स एक फ्रेश नाम अभी जो सामने आया है, 3.2 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख पे करे आरसीबी फ्रेंचाइजी ने इस खिलाड़ी के लिए, और जो कि उसने आप कह सकते हैं ऐसे 20 में जो उसने दमखम दिखाया विद द बैट, अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जबरदस्त बल्लेबाज, जबरदस्त ऑलराउंडर, लेकिन एक आप कह सकते हैं फैंस के लिए भी एक झटका कि भाई ऐसा स्टार खिलाड़ी, ऐसा T20 में अगर आप कहें एंटरटेनर, इनकी सर्विसेज मिस करेंगे आरसीबी, और ये एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि आरसीबी के लिए भी, और जो फैंस वेट कर रहे थे कि भाई विल जैक्स का जो जलवा आपने ऐसे 20 में देखा, जबरदस्त वो स्ट्रोक प्ले उनका, जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी विद द बॉल इतने हैंडी, आरसीबी के लिए एक परफेक्ट प्लेयर वहां पर होते, तो ये विल जैक्स की सर्विसेज भी वहां पर मिस करेगी आरसीबी। तो एक खिलाड़ी ये हो गए हैं, आखिरी नाम पर आएंगे जाय रिचर्डसन। जाय रिचर्डसन मुंबई इंडियंस के लिए हम मानते हैं कि भाई अब देखिए कि अब जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में मे बी फोर्स हो जाए वहां पर मुंबई इंडियंस
कि आपको एक ओवरसीज आप कह सकते हैं कि डुअल कॉम्बो, आपको जोफ्रा आर्चर के साथ तो जाना ही था वहां पर, लेकिन आप यहां पर यह भी मान के चल सकते हैं कि जो जाय रिचर्डसन की क्वालिटी है हम सब जानते हैं, बड़े ही जिपी हैं, निप करता है बॉल और जबरदस्त आप कह सकते हैं 140 केज ऑपरेट करते हैं, तो उनके सर्विसेज मिस करेंगी मुंबई इंडियंस, जो उनके लिए आप कह सकते हैं बड़ा सिरदर्द भी बन सकती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है ही नहीं वहां पर, तो जोफ्रा आर्चर के साथ एक अच्छा खासा पेयर वहां पर बना देते हैं ओवरसीज फास्ट बॉलर्स का, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स का, तो मुंबई के लिए आप कह सकते हैं कि एक और बड़ा झटका कि भाई वहां पर जाय रिचर्डसन, जसप्रीत बुमराह एक बड़ा झटका, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जाय रिचर्डसन भी, तो ये मुंबई के लिए और ज्यादा सरदर्द बन चुका है। अब हम चलते हैं उन प्लेयर्स की लिस्ट पर कि जो अभी अनकंफर्म्ड हैं, क्योंकि जिन पर थोड़ा सा संदेह है, डाउट है, क्योंकि उनकी इंजरीज ऐसी हैं मोस्ट लाइकली वो थोड़ा पोर्शन भी मिस कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी अपडेट भी आ सकती है फ्रेंचाइजीज की तरफ से कि भाई अब इनका खेलना मुश्किल हो जाएगा आईपीएल में, इनकी रिप्लेसमेंट्स वहां पर ढूंढनी पड़ेंगी। सबसे पहला नाम एनरिक नोकिए, दिल्ली कैपिटल्स का एक भाई आप कह सकते हैं एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर, 150 किलोमीटर प्रति घंटा आप देख रहे हैं कि उस कैटेगरी में खिलाड़ी ही बहुत कम है, उस कैटेगरी में पेसर्स ही बहुत कम है। आईपीएल में तो आप महज उंगलियों पर आप हाथों पे गिन सकते हो, उंगलियों पे गिन सकते हो कितने बॉलर हैं, उमरान मलिक है वहां पर, लोकी फर्गसन है वहां पर, और एनरिक नोकिए जो एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर्स हैं, तो भाई एनरिक नोकिए की सर्विसेज मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए, कुछ मैचेस के लिए डीसी वहां पर मिस करें एनरिक नोकिए भी। अब आप कह सकते हैं कि जब जैसे हमने देखा कुछ समय से वो इंजरी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। श्रेयस अय्यर हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है केकेआर के लिए, क्योंकि उनकी जो लोअर बैक इंजरी है उसकी वजह से वो इंडिया से तो बाहर हैं ही, लेकिन अब उनके लिए सवाल हो चुका है कि भाई अब टर्न अप कैसे करोगे आप आईपीएल के लिए, महज दिन बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं, हफ्ते बाकी हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर अगर अपनी लोअर बैक इंजरी से रिकवर नहीं करते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि सुपरस्टार प्लेयर कप्तान और उनकी आप प्रेजेंस ही आप कह सकते हैं केकेआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप वो मिस करेंगे, आप अपने टॉप ऑर्डर में श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज जो आपको रिलायबिलिटी देते हैं और जो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस देगा, और उनकी लीडरशिप स्किल्स भी इस बार तो हम देख रहे हैं कि चंद्रकांत पंडित जी वहां पर उनको कोच होंगे, तो उनके साथ इनकी हम देखते हैं कि भाई इनकी कैसे जोड़ी वहां पर जेलप होती है और अच्छा करते हैं, लेकिन एज अ लीडर एज अ बैटर आप देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है केकेआर के लिए अगर श्रेयस अय्यर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट वहां पर मिस करेंगे आईपीएल का, क्योंकि उनके लिए उनका शुरुआती कैंपेन अगर खराब चला गया तो इतनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव लीग है इसमें आपका आप कह सकते हैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। श्रेयस अय्यर एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है केकेआर के लिए, मैं केकेआर का फैन हूं बहुत बड़ा, मैं तो होप करूंगा श्रेयस अय्यर जल्दी से रिकवर करें अपनी लोअर बैक इंजरी से और आईपीएल के लिए कंप्लीटली फुल्ली फिट हो जाए वहां पर। एक और बड़ा नाम जोनी बेस्टो, हम सब जानते हैं कितना बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है जोनी बेस्टो, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि एक फ्रीक गोल्फ खेलते वक्त एक फ्रीक इंजरी उनको हुई थी और उसके बाद उन्होंने एक्शन मिस कराया, महीने हो गए हैं बहुत, तो अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अभी जोनी बेस्टो पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उनका एकदम से कॉम्पिटिटिव प्ले आप कह सकते हैं कि एकदम से मैदान पर उतरना और आईपीएल जैसे आप कह सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है उसमें एकदम से फीचर करना, अभी उन पर भी बहुत बड़ा संदेह है। पंजाब किंग्स डेफिनेटली चाहेगी जोनी बेस्टो जल्दी से फिट हो जाएं और जल्दी से मैच फिट होके जल्दी से मैदान पर उतरे पंजाब किंग्स की जर्सी में। एक और नाम सरफराज खान, हम सब जानते हैं रन मशीन बन गए रणजी ट्रॉफी में आप कह लीजिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप कह लीजिए, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, सरफराज खान का बल्ला भाई जबरदस्त तरीके से चलता है और ऋषभ पंत की एब्सेंस में हम यही देख रहे थे कि यार सरफराज खान वहां पर आपको विकेट के पीछे नजर आ सकते हैं और विद द बैट तो हम सब जानते हैं कितनी क्वालिटी है इस बल्लेबाज की, कितना टैलेंट है, लेकिन उनको फिंगर इंजरी होती है और अब उनपे भी संदेह है कि भाई क्या पता, अभी अनकंफर्म्ड है, अभी इस पे ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि वो रूल्ड आउट होंगे, कितने मैचेस के बाहर होंगे, लेकिन उन पर भी संदेह है, उन पर भी डाउट है कि भाई वो भी उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि क्या वो फीचर कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये थे लिस्ट उन प्लेयर्स की कि जो आपको बताएं कि भाई ये तो कंफर्म्ड है, टॉप सिक्स जो आपको बताएं हमने खिलाड़ी कि ये खिलाड़ी हैं कि भाई जो रूल्ड आउट हो चुके हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि टॉप से अगर आपको बताएं एक एक करके आपको बताएंगे तो जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, काइल जेमिसन, प्रसिद्ध कृष्णा, विल जैक्स, जाय रिचर्डसन, ये वो खिलाड़ी हैं छह कि जो आप हमें आपको बता रहे हैं कि ऑफिशियली कंफर्म्ड हैं कि भाई वो मिस आउट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि भाई जो आखिरी के जो चार हैं वो हैं लिस्ट ऑफ अनकंफर्म्ड प्लेयर्स,
वो है एनरिक नॉक के, श्रेयस अय्यर के केआर के लिए, जॉनी बेस्टो पंजाब किंग्स एंड सरफराज खान डीसी के लिए, कि इन पर अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन इन पर इनके खेलने पर संदेह है और मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये भी बाहर रहे। तो ये वीडियो थी खास जो आईपीएल के फैंस हैं, थोड़ी सी आपको आप कह सकते हैं निराश जरूर करेगी, लेकिन जरूरी है सूचना देना क्योंकि आप सब में जरूरी हलचल मच रही होगी कि भाई मेरा फेवरेट प्लेयर फीचर करेगा कि नहीं, कोई इंजरी कंसर्न तो नहीं है। ये वो एज ऑफ नाउ ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो लिस्टेड खिलाड़ी हैं कि छह खिलाड़ी हमने आपको बताया कि भाई इनका खेलना तो ये आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि ये नहीं खेलेंगे छह खिलाड़ी, और जो चार खिलाड़ी हैं उन पर अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है लेकिन उन पर भी डाउट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स आर के जो यूट्यूब चैनल है इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, जय हिंद जय भारत।